हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास सेवेंथ की मैथ्स कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इक्वल के बाद जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं ये हमें ठीक प्रूफ करके दिखाना है, इसीलिए हमें ब्लैंक में बिल्कुल सही इंटीजर को फिल करना है। तो देखिए, ए पार्ट में क्या है, 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। तो 369 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 369 ही आए। देखिए, अगर जैसे यहाँ पर 8 है डिवाइडेड बाय डैश है और यहाँ पर 8 है, तो 8 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि 8 ही आए, 1 से डिवाइड करेंगे। 8 वन जा 8 होता है, तभी तो 8 आएगा जब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1 ही लिखेंगे। 369 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर 369 ही आएगा। अब आते हैं बी पार्ट पे, -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। हम -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आए, तो 1 तो तभी आता है जब आप उस डिजिट को सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 1 आएगा, 8 वन जा 8 होता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी 75 ही लिखूंगी, और क्योंकि यहाँ पर माइनस में है आंसर, इसीलिए मैं इसी को माइनस साइन में रहने दूंगी, अपनी तरफ से माइनस साइन नहीं लगाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो ये क्या होगा, ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 आएगा, और मुझे 1 नहीं चाहिए, आंसर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है -1, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे पॉजिटिव ही रहने दूंगी और इस -75 को ऐसे ही रहने देंगे। जो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं उनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ आपको अपने आंसर को ठीक से लिखना है। सो यहाँ पर आंसर है 75। सी पार्ट पे आते हैं, -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। तो अभी मैंने बताया कि अगर हमें आंसर 1 चाहिए डिविजन में तो उस डिजिट को उसी से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 206। अब क्योंकि आंसर 1 है, पॉजिटिव है, इसीलिए मैं यहाँ पर भी माइनस लिखूंगी। ऐसा इसलिए करूंगी ताकि माइनस से माइनस हो जाए कैंसिल और आंसर आ जाए 1 पॉजिटिव में। डी पार्ट पे आते हैं, -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। कहीं कहीं पर माइनस का साइन ब्रैकेट में होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। 8 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी 8 आता है, उसी तरीके से 87 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमें 87 मिलेगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो आंसर है ये पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो मैं इसे भी नेगेटिव बना दूंगी। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 87 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा -1। ई पार्ट में हमें दिया गया है डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 87। तो अगर मुझे 87 ही आंसर में चाहिए और मैं उसे 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 87 आएगा। 87 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 87। अब आते हैं साइन के ऊपर, यहाँ पर जो आंसर है वो माइनस में है, नेगेटिव है, तो मैं अपने आंसर को भी माइनस में कर दूंगी, तो यही माइनस का साइन यहाँ पर कॉन्टिन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का साइन है तो आंसर भी माइनस में है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर माइनस लिख दूंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, -87। अब आते हैं एफ पार्ट पे, डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। पहले माइनस को इग्नोर करते हैं, पहले ये समझते हैं कि 48 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। उसी डिजिट को जब आप उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं सेम डिजिट से तभी तो 1 आता है। 48 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 1। अब -1 है तो इसलिए मैं यहाँ पर भी माइनस लिख दूंगी। ठीक है, तो एक माइनस का साइन है वही हमने आंसर में भी कंटिन्यू किया है, तो हमारा आंसर है -48। अब आते हैं जी पार्ट पे, 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो आप जानते हैं कि 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 पे, 2 टेन जा होता है 20, तो यानी कि हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तभी 2 आएगा, और क्योंकि -2 है तो आंसर भी -10 होगा। अब आते हैं एच पार्ट पे, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। पहले माइनस को इग्नोर करते हैं, पहले डिजिट्स को देखते हैं, 4 में क्या डिवाइड करें कि 3 आ जाए, तो हमें मालूम है 3 फोर जा होता है 12, इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 फोर जा होता है 12, तो 12 आ जाएगा। 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, अब क्योंकि -3 है तो इसे भी आप
माइनस में लिख दीजिए, यानी माइनस 12। सो लर्नर्स, इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।